नौशाबाद का इलाका है। आप ये देखें नीचे स्टेडियम आपको नौशाबाद का नजर आ रहा है। इसके अलावा ये नौशाबाद वाली सड़क है जिसमें ट्रैफिक रवा दवा है और इस हेलीकॉप्टर जिसका हम प्रवास कर रहे हैं जिसके पश्चिम की तरफ जाए उस पर दो पहाड़ियां नजर आ रही हैं। जो डिसिल्वा टाउन वाला इलाका है वो पीछे की तरफ है। ये तकरीबन पूरा ही शहर जो है हमने कवर किया है सारे मामले में। आप ये देखिए और मौसम भी इस वक्त बड़ा साफ है और हल्की हल्की धूप निकली हुई है और इसमें तमाम मनाजिर आप ये देखिए शहर के। एक मंजर कल था शहर में और एक आज है। ये देखें लियारी नदी आपको नजर आ रही होगी। ये लियारी नदी है, लियारी नदी है। इस वक्त आप लियारी नदी से गुजर रही है, देख रहे हैं आप जो कल शहर का मंजर था आज उस शहर का मंजर नहीं है। ये लियारी नदी से आप गुजर रहे हैं। ये सामने एक्सप्रेस वे है, ये जहाँ पर पानी को उठता है दिखा सकते हैं आपको। ये खाली प्लाट है, यहाँ पर पानी को उठते हैं बाकी उसके चारों तरफ। ये लियारी एक्सप्रेस वे चल रहा है यहाँ पर। लियारी एक्सप्रेस वे के साथ जो है ग्रीन लाइन का बन के जो है वो ग्रीन लाइन यहाँ से गुजरती है। ये वो इंतजार का प्रबंध शुरू कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरा शहर मजार है, गाजी आजम के मजार से स्वस्थ गुजर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपको पता है कि जैसे बारिश हुई पूरी सिंध इंतजामिया जो है वो सड़कों पे मौजूद थी और दो दिन में 400 मिलीमीटर जो आखिरी दो दिन में बारिश पड़ी है उसमें पूरे शहर में पानी जमा हो गया था। जिसके बाद वजीर आला सिंध और पूरी कैबिनेट चीफ सेक्रेटरी पूरी इंतजामिया मैं सबकी तारीफ करूँगा, स्पेशली हमारे पियोन हमारे स्वीपर्स सारा स्टाफ जो था गवर्नमेंट का वो मौजूद था और वो पूरे डी वाटरिंग के प्रोसेस को देख रहा था, सुपरवाइज कर रहा था। अलहमदुल्ला हमने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने ग्राउंड में हर गली का दौरा किया है, चीफ मिनिस्टर साहब ने हर रास्ते का दौरा किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा है कि जी 95% पानी क्लियर हो गया है। उसके बाद हमने आज तमाम मीडिया को लेकर चले हैं और मीडिया को लेकर चलने का मकसद ही है कि मीडिया अपनी आंख से दिखाए कि जी शहर में पानी है या नहीं है। मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स के लोग हैं, आप अपनी कैमरा से खुद अपनी आँख से दिखाएं और अगर आपको सब लगता है कि हमारी बात सही है तो ठीक है, अगर आपको लगता है हमारी बात गलत है तो पब्लिक को जरूर बताएं कि जी हम आपसे गलत बयान कर रहे हैं या चंद मुखालफिन सोशल मीडिया के जरिए या अपनी सियासत चमकाने के लिए या बल्दियाती इलेक्शन में अपने आप को चमकाने के लिए सिंध हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। यहाँ पर कहीं कहीं पानी की जो है वो निकासी मुकम्मल नहीं हो सकी और पानी नजर आ रहा है ओल्ड सिटी एरिया में।